सिरसा डब्बाली फतेहाबाद ये हमारे रेंज के वो ज़िले हैं जो नशे से ग्रस्त, और इस पर हमारा विशेष ध्यान और एक विशेष अभियान हमने चला रखा है। एक टाइम बाउंड एक एक्शन प्लान हम चला रहे हैं इन तीनों ज़िलों में कि आने वाले 2 से 3 महीनों में हम इनको पूरी तरह से ड्रग फ्री करने में कामयाब हो। उसी कड़ी में हम जो वर्स्ट ज़िले गांव जो आइडेंटिफाइड है या जो बस्तियां आइडेंटिफाइड है उसको टारगेट करके चल रहे हैं, और हमारी टीम्स वहां जाके पहले ग्राउंड वर्क करती है, होमवर्क करती है, जहां जो नशा कर रहे हैं उनको ले जाके उनका नशा छुड़वाते हैं, वो ट्रीटमेंट देते हैं, वहां के पेडलर्स अगर कोई है उस गांव के तो उन पर एक्शन लेते हैं, और जब हमको यकीन हो जाता है वहां के लोगों से इंटरेक्ट करके कि अब ये ड्रग फ्री हो गया है तो हम उनको ड्रग फ्री होने का एक अवार्ड देते हैं, उनको सरपंच और सभी को हम सम्मानित करते हैं। तो इस कड़ी में आज 5 हमारे गांव सिरसा के हम ड्रग फ्री घोषित करने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में वी आर फर्स्ट टारगेटेड 20 विलेजेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट। 10 हमने कुछ दिनों पहले फतेहाबाद में करे थे एक साथ, और नेक्स्ट वीक दोबारा हम यहाँ आएंगे, तब अगले 5 गांव हम जिन पे काम कर रहे हैं उनको ड्रग फ्री घोषित करेंगे। द आइडिया इज़ टू मेक सिरसा ड्रग फ्री, डब्बाली एंड सिरसा बोथ, इनको हम ये जो सालों से एक लांछन लग रहा है कि यहाँ ड्रग्स है बहुत चल रहा है, उसको हर फ्रंट पे एनफोर्समेंट से, अवेयरनेस से और ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन से हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। एलिगेशन सर पुलिस कर्मचारियों पर भी लगते हैं कि ड्रग्स जो तस्कर हैं उनसे भी भगत करते हैं, अगर ऐसे कोई भी नोटिस में आते हैं एलिगेशंस में थोड़ी सी भी हमको हम बहुत अगर कोई एलिगेशन लगता है तो मैं खुद अपने लेवल पर जाँच करता हूँ, एंड कानून सबके लिए एक है, अगर उनकी कोई भी संलिप्तता पाई गई किसी केस में भी तो उसी केस में हम उन पर कार्रवाई उन्हीं धाराओं के अंतर्गत करने के लिए वचनबद्ध है। बॉर्डर एरिया पर सिरसा है, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर रहे, तो वहाँ से भी जाहिर सी बात है कि नशा सिरसा जिला में आता है, तो बॉर्डर एरिया पर नशे को ख़त्म करने के लिए क्या प्रयास किया? इसीलिए सरकार ने डब्बाली को अलग पुलिस ज़िला बनाया है, और इसीलिए अब हमारा एक IPS रैंक के अफसर वहाँ बैठने लगे, और व्यवस्था वहाँ बन रही है अभी ग्राउंड पे, और आने वाले दिनों में आप देखोगे अभी ऑलरेडी ये काम शुरू हो गया, हमारा एनफोर्समेंट भी बढ़ गया है, और जो बॉर्डरिंग एरिया के जितने थाने हैं राजस्थान के पंजाब से उनसे भी हमारा तालमेल चल रहा है, उनसे बातचीत चल रही है, वी आर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, जो ड्रग पेडलर्स हमारे यहाँ काम करके उधर चले जाते हैं या उधर किधर आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करके हम जॉइंट एक्शन भी उन पर कर रहे हैं। उसमें अभी हम प्रोविजंस है PTNDPS एक्ट के प्रोविजंस है, हमारे बड़े पैमाने पे हम उसमें उनको पाबंद कर रहे हैं, पूरे रेंज में हमने ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए जो कई बार अरेस्ट हो चुके, 5 केस है, 6 केस है, 7 केस है, 10 केस के भी कुछ लोग आए, तो इन सभी पे हमने अभी पीछे ही इसी को लेकर मीटिंग करी थी, उसमें हमने PTNDPS में उनको पाबंद कराने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और प्रॉपर्टी इलीगली एक्वायर्ड जो है जो इलीगल है उसको भी जब्त करने का प्रोसेस हमने शुरू किया है, फाइनेंशियली उनको हम हेल्प कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी का मामला है जिसमें 500 करीबन जो गर्ल स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रोफेसर पर एलिगेशन लगाया कि सेक्सुअल हरासमेंट करता है, DGP साहब को भी लेटर लिखा है, CM साहब को भी लेटर लिखा है। आई थिंक द मोमेंट वी गॉट हमें तो कंप्लेंट आने के पहले ही हमको जब मीडिया में ये वायरल हुई खबर उसी समय हमने हमारी टीम एक IPS अफसर के अंडर जो हमारी ASP मैडम है दीप्ति गर्जी उनके अंडर एक टीम बना के वहाँ पे उसी रात को हमने भेज दी, वो अभी स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, काफ़ी लोगों के ले चुके हैं, उसके बाद जो भी सामने आता है विल टेक एक्शन। SIT का गठन भी किया गया, शी इज़ एज गुड एज वी हैव टू वुमन पुलिस ऑफिसर्स विथ हर, और पहले उनकी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद।